हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल फ्रॉम बदौरटी एक्सबी। आज मैं कुछ इन्फॉर्मेशन शेयर करूँगा अबाउट ट्रेवल टू माल्टा, मतलब दिस टाइम माल्टा ट्रेवल एलिजिबिलिटी। तो जो लोग हमारा चैनल में नया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल एंड हिट द बेल बटन। तो इन्फॉर्मेशन यही है कि इफ़ यू आर ट्रेवलिंग टू माल्टा यू मस्ट कम्प्लीट रिक्वायर्ड फ्रॉम, यानी ट्रेवल एलिजिबिलिटी। तो दिस टाइम आपको माल्टा जाने के लिए ये एलिजिबिलिटी लाजिम करना ही पड़ेगा। जैसे कि बोलेगा माल्टा जाने के लिए आपको फुल वैक्सीनेटेड होना लाजिम है। आप मंथा विजिट में जाएगा या तो वर्क वीसा में जाएगा, फुली वैक्सीनेटेड पैसेंजर विल बी एक्सेप्टेड फॉर ट्रेवल टू माल्टा। यानी जो लोग वैक्सीन का दोनों डोज लिया वो लोग जा सकता। रिक्वायरमेंट में क्लियर लिखा है पैसेंजर मस्ट प्रेजेंट सर्टिफिकेट ऑफ वैक्सीनेशन। वैक्सीन सर्टिफिकेट भी दिखाना पड़ेगा आपको एयरपोर्ट में जाने का टाइम। सर्टिफिकेट में क्लियर मेंशन होना ज़रूरी है कि दोनों वैक्सीन आप लगवाया है, सिर्फ वही लोग दिस टाइप माल्टा एंट्री कर सकता। अगर आप वैक्सीनेटेड नहीं है तो पीसीआर टेस्ट रिजल्ट लेके आप नहीं जा सकता, क्योंकि वो अलाउ नहीं है। इधर और भी मेंशन किया है वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट मस्ट हैव बीन इश्यूड एटलीस्ट 14 डे प्रायर टू द डेट ऑफ ट्रेवल। यानी आपको जो डेट में आप मंथा माल्टा ट्रेवल करेगा वही डेट से 14 दिन पहले आपका सर्टिफिकेट इशू होना ज़रूरी है, 14 दिन पहले होना मनता। क्योंकि किसी का तो और ज़्यादा भी होगा, लेकिन 14 दिन, एटलीस्ट 14 दिन पहले ये वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट इशू होना मनता। अगर आपको दुबई से जाना है तो यूएई वैक्सीन सर्टिफिकेट इशूड बाय द दुबई हेल्थ अथॉरिटीज़ विद ए रीडेबल क्यूआर कोड। अगर आपको दुबई से जाना है तो यूएई वैक्सीन सर्टिफिकेट इशू करना मनता, मतलब दुबई हेल्थ अथॉरिटी से, ये लाजिम है। ओनली चिल्ड्रेन फ्रॉम द एज ऑफ 5 to 11 दे आर परमिटेड टू एंटर माल्टा विदाउट वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट। सिर्फ चिल्ड्रेन जा सकता, 5 साल से लेके 11 साल तक का बच्चा जा सकता कोई सर्टिफिकेट का बगैर, सिर्फ पीसीआर टेस्ट लेके एंट्री हो सकता। तो अभी सवाल है कि आप वैक्सीन कौन सा लेगा। यूरोपियन मेडिसिन अथॉरिटी अप्रूव्ड वैक्सीन, यूरोपियन मेडिसिन अथॉरिटी ने अप्रूव किया है मॉडर्ना, फाइजर, एस्ट्राजेनेका, जॉनसन एंड जॉनसन इन ऑर्डर टू एंटर माल्टा। तो ये लोग बोलता कि यही वैक्सीन लगवाना है जो यूरोपियन यूनियन, यूरोपियन मेडिसिन अथॉरिटी अप्रूव्ड किया है। तो इधर दुबई में बहुत लोग है कि जो लोग चाइना सिनोफार्म वैक्सीन ऑलरेडी लगा दिया है, तो सिनोफार्म का बारे में भी ये लोग बोलता चाइना सिनोफार्म आर येट नॉट एलिजिबल टू ट्रेवल टू माल्टा। मतलब सिनोफार्म को ये लोग अभी तक एक्सेप्ट नहीं किया। तो इसके लिए जो लोग वैक्सीन लगवा दिया तो वो लोग फिर जो लोग सिनोफार्म लगाया वो लोग से मतलब 4-5 महीना बाद दूसरा वैक्सीन भी लगा सकता है, जैसा कि वो लोग मेंशन किया। इससे फाइजर लगाएगा तो बेटर है, फाइज़र आप किधर मिलेगा तो लगा दो। अगर फाइज़र नहीं मिलेगा तो दूसरा वैक्सीन भी लगा सकता है जो वो लोग मेंशन किया है, पहले हम नाम बताया है, उससे कोई भी अगर मिलेगा तो आप सकता लगाएगा। मतलब वैक्सीन का बगैर आप माल्टा नहीं जा सकता एट दिस टाइम। तो जिन लोगों को माल्टा का परमिट मिला या तो विजिट वीसा मिला वो लोग मनता माल्टा जाएगा। तो जाने का टाइम ख्याल करो कि अगर ट्रांजिट फ्लाइट है तो कोई रेड जोन कंट्री में ट्रांजिट नहीं ले लो।
जो अगर रेडसूट कंट्री में आप ट्रांजिट लिया तो माल्टा एंट्री होने नहीं देगा, ये लोग उधर क्लियरली मेंशन किया है। आप किधर ग्रीनलिस कंट्री में ट्रांजिट ले सकता, लेकिन रेड जोन में कभी नहीं ले लो, ये ख्याल करो। तो गाइज सबके लिए ऑल द बेस्ट। ये एक जनरल इंफॉर्मेशन है, मतलब हम कोई इमिग्रेशन लॉयर नहीं है या तो कोई इमिग्रेशन कंसल्टेंट भी नहीं है। ये एक जनरल या बेसिक इंफॉर्मेशन है जिससे आप लोगों को एक बेसिक आइडिया मिलेगा अबाउट माल्टा वीसा इंफॉर्मेशन के लिए। तो अगर आप लोगों को ये वीडियो या ये इंफॉर्मेशन मेरा पसंद आया तो लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करना, और प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल फॉर नेक्स्ट अपडेट। ऑल द बेस्ट गाइस, अल्लाह हाफिज़।